लुधियाना शहर दे विच अगर तुसी गंदगी फैलांदे हो अपराध करदे हो तां प्रशासन तुहाडे उत्ते निगाह रख रिहा वा। सो इह निगाह जिहड़ी आ स्मार्ट सिटी दे तहत जो कैमरे लगाए गए ने उन्हां राही रखी जा रही आ। तस्वीरां तुहानूं दिखा दिंदे आ। सो इह कंट्रोल रूम दे विच असीं मौजूद हैगे आ। सो इह कारपोरेशन ऑफिस दे विच इह कंट्रोल रूम बनाया वा। सो ते एक एक हरकत जिहड़ी आ तुहाडी कैप्चर हो रही आ। सो तुहानूं तस्वीर दिखाने की कोशिश करांगे। सो इह तुसीं देख सकते हो सड़क आ। अगर तुसीं इत्थे आ के गंदगी फैलाने हो, अगर कोई कूड़े कूड़े का लिफाफा अगर तुसी बुढ़े नाले सुटदे हो तां तुहाडी हरकत जिहड़ी आ उह इस कैमरे दे विच कैद हो जाएगी। सो इह कैमरे राही अगर तुसी किसे तरह दे रूल तोड़दे हो, गड्डी तेज चलांदे हो जां सड़कां ते तुसी देख सकदे हो किस तरह रेहड़ियां लगी हुई ने। सो इह सारियां हरकतां जिहड़ियां वा स्मार्ट सिटी दे जो कैमरे लगे ने उहदे च कैप्चर हो रहियां ने। सो हुण प्रशासन इहनां ते कारवाई भी नाल दी नाल करनी शुरू कर दित्ती है। गल्लबात कर लैंदे आ जो इस प्रोजेक्ट नूं देख रहे ने। सुशील जी, स्मार्ट सिटी दे तहत इह कैमरे लगाए गए ने, किन्ने कैमरे ने, किथे किथे निगाह रखी जा रही है? ये पूरे शहर में हम लोग निगाह रख रहे हैं। इसके तहत पुलिस के 1400 कैमरास चल रहे हैं। 300 कैमरास हम नए लगा रहे हैं और 30 व्हीकल माउंटेड कैमरास ऑलरेडी हमने डिप्लॉय किए हुए हैं, जिसके तहत शहर की सिक्योरिटी प्लस कोई भी अगर लाइक इलीगल एक्टिविटीज होती है तो उसके मॉनिटरिंग हो रही है। इसके अंदर अगर आप कैमरास पे देखेंगे तो कोई भी एरिया में अगर कोई व्यक्ति इंक्रोचमेंट करता है तो कैमरा में कैप्चर होने के बाद यहाँ पे अलर्ट आता है और ये सूचना प्रशासन को दी जाती है। अलर्ट कैसे आया था? अगर हम स्क्रीन पे समझना चाहें कैसे अलर्ट आता है, जैसे ये येलो लाइन कैसे आ रही है? येलो यहाँ पे देखिए, अगर ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है यहाँ पे जैसे एनक्रोचमेंट अगर जैसे भी होता है तो आप यहाँ पे देखिए ये गार्बेज का है, ये बुढ़े नाले का है, किसी ने गार्बेज फेंका हुआ है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रेड लाइट रेड मार्क आ गया है। यानी कि पहले जहाँ पे कूड़ा नहीं था किसी ने फेंका है वो रेड लाइट आ गया, रेड लाइट आ गया, रेड मार्क आ गया और यहाँ पे अलर्ट आ जाता है, यहाँ पे लोकेशन के साथ आता है। तो ये इन्फॉर्मेशन हम वो अलर्ट कहाँ पे आता है आपको? यहाँ पे आता है। ये अच्छा, ये सारे अलर्ट है, ये रेड में जो भी है ये अलर्ट है। ये देखिए ये रियल टाइम पे ये अलर्ट्स आ रहे हैं। तो ये अलर्ट्स जो भी आता है हम अथॉरिटीज को बताते हैं और अथॉरिटीज जाके उसको रिमूव करती है या अगर किसी ने इंक्रोचमेंट किया तो उसके अगेंस्ट जो भी कार्रवाई। कंपनी के बारे में बता दीजिए कैसे ये हैंडल कर रहे हैं आप? देखिए मैं सुशील खाचने हूँ, आईटी एक्सपर्ट हूँ, लुधियाना पीएमसी में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट एईकॉम यूएसएमएनसी है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये मैंने स्क्रैच से पूरा डिजाइन किया है, जिसके अंदर हमने ध्यान रखा है कि कॉस्ट भी सेविंग हो, पुलिस को भी सर्विस प्रोवाइड करें प्लस हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी करें, दोनों को आप सर्विस दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं। और मुख्य बताना चाहता हूं कि अगर आप दूसरे शहरों में IEEE देखते हैं वो 150 करोड़ से लेकर 250 करोड़ के बीच में होते हैं, बट हमने ये प्रोजेक्ट बजट कॉन्स्टेंट की वजह से ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमने 9 करोड़ में करके दिखाया। सो दैट इज द वन ऑफ द फाइनेंस, हाउ टू मैनेज लाइक फाइनेंसिस, हमें कैसे मैनेज करना है? आपका काम है जैसे किसी ने कोई कूड़ा फेंका, किसी ने कोई अपनी जो रेडी है वो सड़क के पास लगाई हुई है, आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, आगे काम जो है कॉर्पोरेशन और पुलिस का है। पुलिस का है, हमें है कि उनको इन्फॉर्म कर देना है, आगे की जो भी कानूनन कार्रवाई है वो प्रशासन करती है। आपको लगता है कि ये कार्रवाई भी हो रही है कि नहीं हो रही है? ये हो रही है क्योंकि अभी सिस्टम स्टार्ट हुआ है। ये लोगों को ये भी देखिए बहुत बड़ी चीज है कि लोगों को इस चीज का इन्फॉर्मेशन नहीं है। लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस टाइप की टेक्नोलॉजी लुधियाना में डिप्लॉय हुई है, जिस वजह से वो इस टाइप का कोई भी इलीगल एक्टिविटीज ना करे। ये कैमरा कौन सा वर्क कर रहा है अभी? जैसे ये दो ये आप देखिए, ये देखिए ये जो ग्रीन जो आप देख रहे हैं ये मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये जो रेड में दिख रहा है ये बहुत टाइम से यहाँ पे गाड़ियां पार्क्ड हैं या कोई भी सामान रखा हुआ है जो कि एनक्रोचमेंट है। ये कितना टाइम सेट किया हुआ आपने? अभी हमने 5 मिनट का रखा हुआ है, तो मे बी इसके बाद हम एज पर रिक्वायरमेंट हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर 5 मिनट से ज्यादा जो गाड़ी खड़ी है यहाँ पे स्क्रोल लग जाएगा, रेड आ जाएगा और अलर्ट आ जाएगा कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी है जो कि एनक्रोचमेंट है या सम फिशियस एक्टिविटीज है, इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। आप कैसे आगे इसकी देते हो कि ये अलर्ट आ रहा है हमें, आप इसके देखता है? हम इमीडिएटली देखिए आजकल का डिजिटल वर्ल्ड है, हम इसको मल्टीपल इससे करते हैं। कोई अर्जेंसी हो, हम व्हाट्सएप हो गया, ओवर द फोन हो गया, रेगुलर रिपोर्ट्स जाती हैं, तो क्रिटिकलिटी रहती है जब हम अथॉरिटीज को बताते हैं ये चीज थ्रू इवन व्हाट्सएप फोन या जो भी है, तो अथॉरिटीज इमीडिएटली इस पे एक्शन लेती है। हाँ, वो तुरंत पहुंच जाते हैं वहां पे आपके कॉल के जाने राइट और इसके साथ हम इस लोकेशन का डिटेल भी भेजते हैं साथ में कि इस लोकेशन पे ये कोऑर्डिनेट से यहाँ पे ये एक्टिविटी हो रही है। सो जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि सरकारी प्रॉपर्टी पर अगर कोई पोस्टर लगाता है, कोई कालक लगाता है, वो भी आप बता रहे हो साथ? वो भी है। देखिए हमारा जो शहर है ये क्लीन रहना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए, लेकिन लोगों क्या है
इलीगली पोस्टर्स लगाएंगे या पैम्पलेट्स लगाते हैं। सिस्टम ऐसा है कि अगर आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पे कोई भी पोस्टर लगाते हैं या डिफेसमेंट करते हैं तो यहाँ पे अलर्ट आता है, वहां पे जाके अथॉरिटीज उनको पकड़ती भी हैं, बहुत बार चालान भी करेंगी आगे जाके। सो लोगों ने अवेयर रहना चाहिए कि इस टाइप की हरकतें ना करें गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पे। अपराध को रोकने के लिए क्या सिस्टम बनाया हुआ है, पुलिस के साथ कैसा? आपके साथ देखिए, पुलिस का सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट है ये 2016 से चला, उसके बाद इसको देखने वाला कोई नहीं था, तो स्मार्ट सिटी के तहत हम इसको 5 साल के लिए फंड कर रहे हैं और इसका जितना भी टेक्निकल सपोर्ट है ये स्मार्ट सिटी की तरफ से दी जा रही है और स्मार्ट सिटी उसको मेंटेन कर रही है HFCL के थ्रू। लोकेशन कैसे आपने सिलेक्ट की है, ये प्रशासन के साथ पूरा तालमेल बना के जो लोकेशन आपने बनाया? ये पूरा जो है चंडीगढ़ में जो प्रशासन है, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, पुलिस प्रशासन है, CP साहब हैं, बाकी के ऑफिशियल्स हैं, DCP साहब हैं, प्लस MCL और हमारे PMC के लोग हैं। इन्होंने बैठ के सारी स्ट्रेटेजी बनाई गई है, इस बेसिस पे DPR बनी है एंड पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हुआ है। कैमरों की क्वालिटी की अगर बात करें तो वो कैसे आपने कैमरे लगाए हैं, नाइट में कैसे ये वर्क करते हैं, अगर लाइट चली जाए, लाइट बिल्कुल बंद हो जाए वहां पे ये कैसे कैप्चर करते हैं? देखिए ये ऑब्वियस क्वेश्चन है, लाइट चला जाए तो रिकॉर्डिंग कैसे होगी? हम पूरे शहर में 600 IR इल्यूमिनेटर्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जिसका रेंज जो है 200 मीटर है। अगर शहर में जीरो विजिबिलिटी है, चाहे थिक फॉग हो, तभी भी ये कैमरास रिकॉर्ड करेंगे। जैसे आगे सर्दी आ रही है तो पूरा वर्क करेगा? पूरा वर्क करेगा, 200 मीटर तक फुल रिकॉर्डिंग होगी, इवन पिच डार्क अंधेरे में भी या जीरो विजिबिलिटी में भी। ये टेक्नोलॉजी हम लेके आए कंट्रोल रूम, एक बार तस्वीरें तो दिखावांगे कि ये जो कंट्रोल रूम बनाया गया वा, सो इतने भी बहुत सारा स्टाफ जो इतने रखा है वा, सो ये कंट्रोल रूम कैसे ये वर्क करता है पूरा? देखिए ये जो कंट्रोल रूम है ये 24/7 वर्क करता है। मॉर्निंग आवर्स में 8 लोग यहाँ पे बैठते हैं, रेस्ट 2 शिफ्ट में 2-2 लोग बैठते हैं। इनकेस ऑफ क्रिटिकलिटी हम इसमें स्टाफ बढ़ा सकते हैं। करेंटली यहाँ पे 8 जनों का बैठने की व्यवस्था है, फ्यूचर में हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, हमने स्पेस रखा हुआ है। 24 आवर वर्क करता है, 24/7 × 365। ओके, तो और क्या खास है इस प्रोजेक्ट में, थोड़ा सा बताएंगे ताकि लोग तो जागरूक हो जाएं थोड़ा सा? हम जो आपने अभी तक आपको दिखाया कैमरास की मदद से हम जो कर रहे हैं, मिस मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ये है। इसके अलावा भी हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो STP का पानी है उसके वाटर क्वालिटी मिस मॉनिटर करना हो गया, रेवेन्यू मॉनिटर करना हो गया। सबसे बड़ी बात है कि जो डिफॉल्टर्स हैं शहर में, जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया सालों से, उनको भी हम यहां से मॉनिटर कर रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन हम अधिकारियों को देते हैं और उनके अगेंस्ट बहुत जल्दी सख्त कार्रवाई। वो कैसे होता है पूरा, वो CCTV प्रोजेक्ट है ये कैसे प्रोजेक्ट है वो? ये हमने प्रॉपर्टी टैक्स का ये एक अलग सा सिस्टम बना हुआ है जिसके अंदर जो पे नहीं करते हैं तो उनकी डिटेल यहां पे है, तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई के पहले तो उनको इनकरेज किया जाता है कि आप टैक्स पे कर दें, नहीं करते हैं तो आई थिंक यस्टरडे पेपर में, आज पेपर में आ गया, गवर्नमेंट कार्रवाई करने वाली है। अच्छा, नजायज जो बिल्डिंगें बनती है वो भी कोई CCTV कैमरे के साथ कुछ अटैच, ऐसा कोई प्रोजेक्ट? अभी वो प्रोजेक्ट आने वाला है जो नजायज बिल्डिंग की आप बात कर रहे हैं। देखिए पूरे लुधियाना में UID नंबर प्लेट का इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है स्मार्ट सिटी के तहत, जिसके अंदर हम घर घर का एग्जिस्टिंग डेटा भी हम वेरीफाई करेंगे, साथ में हम उसका फोटोग्राफ भी लेके हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे। जब आपका चालान जनरेट होगा, मीन्स आपका जो बिल जनरेट होगा उसके अंदर प्रॉपर्टी टैक्स की डिटेल प्लस आपका घर का फोटोग्राफ भी रहेगा। अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे हैं, सिंगल स्टोरी रेसिडेंशियल आप क्लेम कर रहे हैं या भर रहे हैं, वेरस फोटोग्राफ में दिख रहा है कि आपका 3 मंजिला घर है और नीचे दुकानें हैं, डेट मीन्स यू आर ए लाइक आप फज कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट फिर कार्रवाई करेगी। अच्छा सुनिए जी, ये जैसे स्मार्ट सिटी के कैमरे, इसके अलावा आपने जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी को कुछ कैमरे लगे हुए हैं, उनका भी कोई नेटवर्क आपने साथ कुछ अटैच किया? पुलिस ने किया हुआ है, स्मार्ट सिटी के तहत नहीं है लेकिन पुलिस ने अपने लेवल पे किया हुआ है, प्राइवेट कैमरा से भी फिर पुलिस के पास जा रही है, क्राइम को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जा सके। और यहाँ पे पुलिस बेटर बता सकती है लेकिन इन कैमराज की मदद से पुलिस बहुत हद तक क्राइम जो है उसको रिजोल्व भी करती है, इन्वेस्टिगेट भी करती है एंड लोगों को अच्छी सर्विस भी दे रही है। आपने अभी तक कितने केस जो दिए हैं, आपको लगता है कितने हल हो चुके हैं? मेरे नॉलेज में तो बहुत सारे हैं लेकिन एग्जैक्ट फिगर ये पुलिस बता सकते हैं, मिस मैं ऑथराइज्ड नहीं हूँ, आई थिंक पुलिस कैन टेल बेटर। ओके, ये चलान को लेकर भी कोई ऐसा कुछ बना हुआ है, जैसे बाइक जो है जो रेड लाइट क्रॉस कर जाती है, कोई गाड़ी क्रॉस कर जाती है उसके? यहाँ पे जो सिस्टम्स लगे हुए हैं, यहाँ पे रेड लाइट वॉयलेशन डिटेक्शन हो गया, ANPR कैमराज लगे हुए हैं। अगर आप कोई भी रेड लाइट अगर आप क्रॉस करते हैं तो कैमराज आपका नंबर प्लेट रीड कर लेती है, आपके वीडियो फुटेज भी रहती है जिसके बेसिस पे आपका चालान कटता है और आपके घर चालान चला जाता है। मीन्स आप ये है कि आप डिनाई नहीं कर सकते कि आपने रेड लाइट क्रॉस नहीं किया, विद एविडेंस
जाता है। चोरों से कैमरे बचाने के लिए क्या आपने उपराले किए, जैसे अगर कोई चोरी करने आया उसने देखना कैमरा लगा इसको तोड़ दे या इसको, ऐसे बहुत सारी तस्वीरें कैद होती हैं, तो उसके लिए आपने क्या किया? कैमराज जो है नई टेक्नोलॉजी के कैमराज हैं, इसके अंदर इंट्रूशन डिटेक्शन भी है। अगर कोई कैमराज को डैमेज करने की कोशिश करता है सिस्टम्स में पुलिस लाइन्स में अलर्ट्स आ जाते हैं, जैसे रेड डॉट आया था वो अलर्ट आ गया। हाँ, टेम्परिंग आ जाता है तो पुलिस या जो भी प्रशासन है जिनका भी कैमराज है वो कार्रवाई करती है। बिल्कुल लुधियाना दे विच अगर तुसी जिवें कि स्टार्टिंग कीती सी असी कूड़ा सुटदे हो, रेड लाइट जंप करदे हो, किसे तरह का कोई अपराध करदे हो तां प्रशासन जिहड़ा वा तुहाडे उत्ते तीसरी अख राही यानी कि सीसीटीवी कैमरे राही निगाह रख रहा वा। सो यह कार्रवाई जिहड़ी आ प्रशासन ने शुरू भी कर दित्ती आ, इन्हां कैमरिआं नूं एक्टिव कीता आ वा, और प्रशासन पुलिस प्रशासन अते जिहड़ा कारपोरेशन नगर निगम आ वह अपनी निगरानी च देख रहा वा कि किथे किथे की गलत काम जिहड़ा हो रहा वा। सो उस नूं बचाउण दे लई स्मार्ट सिटी दे तहत यह कैमरे लगाए गए ने, 1700 दे करीब यह कैमरे जिहड़े ने इस वक्त लुधियाना दे विच लग चुके ने। सो इन्हां ते पैनिक नजर जिहड़े अपराध करदे ने उन्हां ते पैनिक नजर जिहड़ी आ प्रशासन वालों रखी जा रही है। सो हुण अपराध करना अते लुधियाना दे विच कूड़ा सुटना हुण बचन की उम्मीद तुहानूं नहीं लगेगी। कैमरामैन अमन नाल नरेंद्र महिंदू जगबन टीवी लुधियाना। देश दुनिया की हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहने लई साडे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करो, नाल दी नाल हर नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन लई बैल आइकन जरूर दबाओ। जेकर तुसी इह वीडियो फेसबुक ते देख रहे हो तो इस नूं लाइक जरूर करो और ज्यादा तो ज्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।